अभी कलेक्ट्रेट से निकले नहीं है। और देखिए सब तरफ, ये असल में मेन चौराहा है। जब आप लखनऊ से इलाहाबाद का जो रास्ता जाता है वहाँ से रायबरेली शहर की तरफ आते हैं, एक फ्लायर बना है और उसके बाद यहाँ पर आके जो बॉटल नेक जिसको कहते हैं वैसा हो जाता है ये शहर का इलाका। सब तरफ से यहाँ चौराहे पर लोग आते रहते हैं और हर तरफ गाड़ियाँ आती है, तो ये पूरा जाम पैक इस वक्त है। और दूसरी तरफ मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। हाँ बोलो भैया जी, बताइए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित राजपूत है। आप क्या करते हैं? जी मैं पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। कहाँ के रहने वाले? जी मैं इंदिरा नगर का रहने वाला हूँ, रायबरेली का। जी क्या विचार है? विचार यही है कि आपको दिख ही रहा होगा चारों तरफ केवल पंजा बंजा है और यहाँ पे कोई किसी से टक्कर नहीं है। एक तरफा यहाँ पे कांग्रेस चुनाव 3-4 लाख वोटों से जीत रही है। आदमी यहाँ कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ रही है, सामने कांग्रेस वाला दिनेश प्रताप सिंह है। मैं जानता हूँ, बता। यहाँ पे जो है ना, यहाँ कांग्रेस नहीं लड़ रही, यहाँ की पब्लिक जो है बीजेपी से लड़ रही है, तो यहाँ पे कोई किसी से टक्कर नहीं है। एक तरफा यहाँ पे कांग्रेस चुनाव जीत रही है। बताओ, राहुल गांधी का पर्चा दाखिला हो रहा है, सारे उनके पार्टी के और उनके समर्थक और कार्यकर्ता ही यहाँ रहेंगे, तो आप यही बोलोगे और क्या बोलोगे? नहीं नहीं, आपकी बात सही है, पर यहाँ पे वो लोग भी आ रहे हैं जो बीजेपी में है, पर यहाँ पे वो भी खड़े हुए हैं, समर्थन कांग्रेस का कर रहे हैं, और जब वोट डालने जाएंगे तो कांग्रेस। पिछली बार भी केवल पर्चा दाखिल हुआ था 1.5 लाख से जीत गई, अब की पर्चा दाखिल होगा 3 लाख से जीते। कुछ बचा नहीं है जो यहाँ पे वोट में। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जिला उपाध्यक्ष शोएब अख्तर अंसारी। हाँ जानता हूँ मैं, ऐसी तो जीत रहा है लगातार। वो पब्लिक, वो जो है पब्लिक वाला चुनाव नहीं है। जी सर, वैक्सीन के लिए सर, कुछ वैक्सीन का बहुत उड़ रहा है सोशल मीडिया पर, कोई चैनल में दिखाया नहीं जा रहा है वैक्सीन। वैक्सीन चैनल, अरे यार वैक्सीन का तो चल ही रहा है, वो कोविशील्ड को लेकर। जी हाँ, सोशल मीडिया पर यहाँ जो ना आए वो बताओ कि गमछा नया मार के यहाँ, गमछा में क्या, यहाँ जिताने आए, पर्चा दाखिल कराने आए माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी का। हाँ सर नमस्कार, हम बहुत चैनल के फैन थे आपके 24 के। अरे और आप, एक सौभाग्य है कि आप रायबरेली आए हैं। अरे हम कितनी बार आ गए, हमारा सौभाग्य कि आज आप हमको दिखे। हम तो आते रहते हैं। जी 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 सर, गांव देहात में भी आइए रायबरेली के। हाँ? रायबरेली गांव देहात एरिया में भी आइए, शहर एरिया तो गांव देहात में ही जाते हैं। नहीं जाते हैं यही तो, आज आप यहां आए हैं, थोड़ा गांव देहात एरिया में भी आइए, अच्छा लगे। सर जी तो राहुल गांधी ने कलेक्ट्रेट में नामांकन अपना दाखिल कर दिया है, अब थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकलेंगे और यहाँ पर रोड शो का उनका इरादा है। ट्रक यहाँ पर है, अब देखना है कि राहुल राजू रंजन। अरे यार राहुल गांधी आते हैं रात में 11 बजे आते हैं चैनल में। अरे हमारा छोड़ो भैया, राहुल गांधी के बारे में बताओ, ये तो फंस गए लग रहा है रायबरेली। नहीं नहीं नहीं, फंसे नहीं, जीत के जाएंगे यहाँ से। इनसे पूछो, राहुल गांधी जी रिकार्ड वोटों से जीत के जाएंगे। तरफा चुनाव है, दल बदलू फंसा सिकंजे में, मोहर लगेगी पंजे में। ये मैं दिनेश सिंह के लिए कहना चाहता हूँ, दल बदल के, ये जो दल बदलू फंसा सिकंजे में, अब मोहर लगेगी पंजे में। राहुल गांधी बार बार रायबरेली की धरती, इतिहास की धरती रही। ठीक है, यही आए हो पर्चा दाखिला में, इतिहास की धरती तो बताएंगे ही, कांग्रेस की धरती बताएंगे। मगर इस बार कहानी में आपको बता दूं कि जो आपके जितने यहाँ मजबूत लोग थे वो सब बीजेपी में, आज 2 साल से बीजेपी बड़ा मेहनत कर रही है। छोटे से कार्यकर्ता है राजू जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता चुनाव लड़ती है, और ये आप देख लीजिए आपकी बार जो 5 लाख से पार जीतेंगे राहुल जी हमारे। हाँ जी बताइए। हाँ के पास बस ठीक है। आप कहाँ के हैं? यही के हैं। कुछ बताएंगे कि यही के? ठीक है बढ़िया। किसकी सरकार केंद्र में आ रही है बताइए? बता नहीं सकता, यहाँ बताना नहीं चाह रहे। राहुल गांधी जीत रहे हैं। और सरकार किसकी है? तो बता नहीं सकता अभी। सरकार भी राहुल गांधी की बन रही है। तो अब मैं थोड़ा आपको देखते रहता है, दसवा आपको देखते रहता है, माहौल क्या है? अच्छा अच्छा, आपको तो डेली देखते हैं, कल भी आपको वहाँ देख रहे थे, महाराष्ट्र में, शिरडी में, कल शिरडी में देख रहे थे आपको।
आप और रवीश कुमार। अरे यार ठीक है तो आप इधर से आइए। अरे भाई इधर आइए, हमको छोड़िए, अभी देख रहे हैं। इतने फैन यहाँ क्या आपके, इतने दिनेश कुमार से मैंने। अरे भाई साथ, तो अभी राहुल गांधी का पर्चा दाखिला हो गया है, थोड़ी देर के बाद वो बाहर आएंगे तो उसके बाद माहौल क्या है लेकर फिर मैं हाजिर हूँगा। अभी थोड़ा पानी पीने के लिए ब्रेक लेता हूँ।